आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा वर्थ डूइंग समथिंग। और ये जो वर्थ वर्ड है, इसको लिखा अलग जाता है, पढ़ा अलग जाता है। वर्थ लिखा जाता है लेकिन इसको पढ़ा वर्थ जाता है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर जो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ, ये हम यूज करते हैं जब उर्दू के सेंटेंसेस में लाइक या काबिल आए। जैसे कि क्या ये मूवी देखने के लायक है, वो बात करने के लायक नहीं है या तो काबिल नहीं है, ये केले खाने के काबिल नहीं है या तो ये केले खाने के लायक नहीं है। आपने देखा इन सारे सेंटेंसेस में लायक या काबिल आया। और इसी तरीकों की उर्दू सेंटेंसेस के लिए हम इंग्लिश में वर्ब प्लस बेस फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते हैं। ये इसके स्ट्रक्चर्स हैं जिनको फॉलो करते हुए सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये मशीन चलने के लायक नहीं है या तो अब ये मशीन चलने के काबिल नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होगी नाउ दिस मशीन इज नॉट वर्थ वर्किंग। नाउ दिस मशीन इज नॉट वर्थ वर्किंग। ये बुक पढ़ने के लायक है या तो ये बुक पढ़ने के काबिल है, तो इसकी इंग्लिश होगी दिस बुक इज वर्थ रीडिंग। दिस बुक इज वर्थ रीडिंग। और अगर आपको इसी सेंटेंस को पास्ट में यूज करना हो तो आपको दिस की जगह दैट यूज करना होगा और इसकी जगह वॉस यूज करना होगा। जैसे कि वो बुक पढ़ने के लायक थी या तो काबिल थी, तो इसकी इंग्लिश होगी दैट बुक वॉज वर्थ रीडिंग। दैट बुक वॉज वर्थ रीडिंग। क्या ये मूवी देखने के लायक है, इज दिस मूवी वर्थ वॉचिंग। इज दिस मूवी वर्थ वॉचिंग। और अगर इसी सेंटेंस को पास्ट में यूज करना हो तो क्या वो मूवी देखने के लायक थी या काबिल थी, तो इसकी इंग्लिश होगी वॉज दैट मूवी वर्थ वॉचिंग। वॉज दैट मूवी वर्थ वॉचिंग। वो जगह जाने के लायक नहीं थी या तो जाने के काबिल नहीं थी। दैट प्लेस वॉज नॉट वर्थ गोइंग। दैट प्लेस वॉज नॉट वर्थ गोइंग। ये चीज काबिले जिक्र है या तो ये चीज बात करने के काबिल है। दिस थिंग इज वर्थ मेंशनिंग। दिस थिंग इज वर्थ मेंशनिंग। हकीकत पर बनाई गई फिल्म देखने के लायक थी या तो हकीकत पर बनाई गई फिल्म देखने के काबिल थी, तो इसकी इंग्लिश होगी द डॉक्यूमेंट्री वॉज वर्थ वॉचिंग। द डॉक्यूमेंट्री वॉज वर्थ वॉचिंग। वो टॉपिक गुफ्तगु करने के काबिल था या तो लायक था। That topic was worth discussing. That topic was worth discussing. वो बात करने के लायक नहीं है या तो वो बात करने के काबिल नहीं है। She is not worth talking. She is not worth talking. अगर आप लड़के की बात कर रहे हो तो आपने फिर he use करना होगा। He is not worth talking. ठीक है। तुम्हारी दरख्वास्त मंजूर होने के काबिल नहीं है। Your application is not worth approving. Your application is not worth approving. ये केले खाने के लायक नहीं है या तो खाने के काबिल नहीं है। These bananas are not worth eating. These bananas are not worth eating. I hope कि आपको ये टॉपिक सही से समझ में आ गया होगा। अब आपकी बारी है, आपने एक सेंटेंस कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है, ठीक है। और अगर और कोई कंफ्यूजन हो इस टॉपिक के बारे में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके बराबर में मौजूद बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो फिर मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।